राजस्थान के कोटा में एक हॉस्टल में तीन छात्रों ने आत्महत्या कर ली। एक ही दिन में तीनों छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया। कोटा के तलवंडी इलाके में एक हॉस्टल में एक ही दिन में तीन छात्रों ने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि एक छात्र ने जहर खाकर जान दी, जबकि दो अन्य छात्रों ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये दोनों ही छात्र बिहार के रहने वाले थे। ये लोग यहाँ रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। एक ही दिन में तीन छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया। कई अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और छात्रों के परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है। उधर मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटने से एयरपोर्ट और हाईवे को बंद करना पड़ा, क्योंकि ज्वालामुखी का लावा तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रहा है, जबकि आसमान में काफी ऊंचाई तक धुएं के गुबार का कब्जा हो गया है। यही वजह है कि ग्वाटेमाला के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। यही नहीं, एक हाईवे के साथ कुछ सड़कों को भी बंद किया गया। ज्वालामुखी से लगातार लावा और धुआं निकलने से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जानकारी के मुताबिक धुएं का गुबार आसमान में 2 किलोमीटर तक छाया हुआ। मध्य प्रदेश में के ग्वालियर में पुलिस की सतर्कता से एक बुजुर्ग आदमी की जान बच गई। महिला सब इंस्पेक्टर उनके लिए देवदूत बनकर आई और उनकी जान बचा ली।